डिस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है। अच्छा लॉर्ड मैकॉले को रिपोर्ट के अंदर एक तो इंग्लिश जो है वो एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, और इसके अलावा जो लिटरेचर है वो शामिल किया गया, वेस्टर्न लिटरेचर जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया। इंडियन स्कॉलर्स को डिफाइन किया, कौन से इंडियन स्कॉलर होंगे, यानी मिसाल के तौर पे देखिए हमारे कोई आलिम होते हैं, तो वो उन्होंने डिफाइन किया कि कौन आलिम है कौन नहीं, यानी कौन तालीम दे सकता है, जैसे कहते हैं लाइसेंस देना टीचर का, इस तरह समझ लें। इसके अलावा जो है जो नए ओरिएंटल कॉलेज बन रहे थे यानी मशरकी स्कूल, उनको फंड नहीं दिया जाएगा, और जो पुरानी हैं उनको थोड़ा बहुत दिया जाएगा। मदर लैंग्वेज के अगेंस्ट थे, यानी मदर लैंग्वेज से मुराद जो हमारी अपनी जबान ट्रेडिशनल उसके अगेंस्ट थे, बल्कि वो इंग्लिश को ये प्रमोट करता था। फिल्ट्रेशन थ्योरी, फिल्ट्रेशन थ्योरी के अंदर एक ये कहता है कि जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, चंद लोग हैं जो बड़े, यानी से आप समझ लो जो अमीर लोग हैं उनको तालीम का हक हासिल है, छोटे लोगों को तालीम का हक हासिल नहीं है। जैसे पहले उन्होंने बात की थी ना मास पब, यानी कि वो कहा था कि सारी पॉपुलेशन को तालीम की जरूरत नहीं है, चंद लोगों की जरूरत है। और यहाँ पे कहा कि तालीम जब हमने देनी है ना, तो सबसे पहले हम अमीर लोगों को तालीम देंगे, उसके बाद जब अमीरों को तालीम हो जाएगी फिर हम नीचे तालीम को जो है वो तालीम देंगे। तो ये इसने ये कहा था। और इसका एक ये भी है कि अगर हमारा ये मकसद है कि यहाँ के जो लोग होंगे, इंडिया के जो लोग होंगे, खून और रंग तो इनका अपना होगा, लेकिन इनका इंग्लिश, इनका टेस्ट होगा, इनकी राय, इनकी मॉरल वैल्यूज, इनका इंटेलेक्ट, तो सारा इंग्लिश के अंदर होगा, हमारे जैसा होगा। ये बात याद रख लें कि 1835 लॉर्ड मैकॉले ने रिपोर्ट दी, बिंटे विलियम, सर विलियम बेंटिक जो उस वक्त का एग्जीक्यूटिव मेंबर था सुप्रीम काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो भी, तो वो उसने इसको मंजूर किया, और उसने विलियम बेंटिक ने खुद इसको लॉर्ड मैकॉले को बनाया था। लॉर्ड मैकॉले बहुत कंजर्वेटिव, बहुत रिजिड एक्सट्रीमिस्ट इंसान था, और इसने एक एजुकेशन निज़ाम को एक नई डायरेक्शन दी, और इसका पर्पज था कलर प्रोड्यूस करना, और इसने फिल्ट्रेशन थ्योरी का कंसेप्ट भी दिया, बड़े लोगों को तालीम का हक है छोटे लोगों को नहीं है, मास एजुकेशन को इसने मुखालफत की, उसने कहा कि चंद लोग ही तालीम के लिए चाहिए और हमें कलर प्रोड्यूस करने हैं। अपने लिटरेचर को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, इन्होंने यहाँ पे स्कॉलर डिफाइन किए कि कौन कौन यहाँ पे पढ़ा सकता है, टीचर बनने के काबिल है, बन सकता है, यानी इस तरह जो जो उनके मफादात जो उनके थे अपने थे उनको उसके मुताबिक नवाजा गया, या कह लें कि उनको इजाजत दी गई। इसके बाद आते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के अंदर। अब ये बेसिकली रिपोर्टें थी, अब उन्होंने कहा कि 1835 से यानी उसके बाद की जो रिपोर्ट 1854 के अंदर दी गई, ये 1854 का जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है मैग्ना। अच्छा यहाँ पे एक तो बता दूं कि ये मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा एक डिटेल प्लान को कहते हैं। 1815 के अंदर ना नेपोलियन बोनापार्ट और उनकी जो एक जंग के अंदर ना उसने कुछ असूल वगैरह को ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की थी। अच्छा वो उसको उसने कहा था कि चार्टर ह्यूमन एक्टर ह्यूमन चार्टर कहा था, इंसानियत का चार्टर के नाम से मशहूर हुआ, उसे मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा गया था। मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, ये मैग्ना कार्टा का वर्ड अक्सर यूज होता है, लोगों को पता नहीं होता है। तो मैग्ना कार्टा का वर्ड सबसे पहले 1215 के अंदर ये जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने जो है वो ह्यूमन राइट का चार्टर दिया था, जिसे उसने कहा था मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो पहली दफा हमने इंसान, ये देखें जो ब्रिटिश या आप अंग्रेज कह लें, उन्होंने पहली दफा दिया था, जब से इससे पहले अबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसा के मदीना और इस तरह वसल्लम ने ये चीजें पहले दी हुई थी। अच्छा तो उसको कहा गया। फिर उसके बाद ये जो 1854 था, क्योंकि इसके अंदर भी एजुकेशन की एक डिटेल बताई गई थी, बड़ी तफसील से एजुकेशन के हर पहलू के ऊपर बात हुई थी, इसलिए इसको भी मैग्ना कार्टा कहा गया। जरा मुझे कोई एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, 14 लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसी 8-10 आई हैं, उसमें से किस पॉलिसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कौन सी पॉलिसी पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कोई बताएगा मुझे? नहीं पता किसी को? अच्छा जी चलिए हम पढ़ेंगे इसको भी। 1959 1959 की पॉलिसी को जो है वो मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है मैग्ना कार्टा 1959 की पॉलिसी को। 1854 की जो पॉलिसी है ये शाबाश मुनव्वर हुसैन साहब
तो मैग्ना कार्टा जो है वो इसकी कहा जाता है 1854 की परिसी को भी कहा जाता है। ये डिटेल प्लान था इंडिया के अंदर, बोला भी करें ऐसे लिख रहे होते हैं, खैर अब तो पता चल गया है। अच्छा, इन्होंने जो है वो फिल्ट्रेशन थ्योरी को जो है ना वो खत्म कर दिया। फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी मास को चंद लोगों को तालीम देना, ये उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। इसके टाइम लॉर्ड डलहौसी जो था ना वो उस वक्त गवर्नर जनरल था यहाँ पे। इन्होंने कुछ चीजें कही थी, 8-10 चीजें हम वो देखते हैं कि 1854 के 40 वोट डिस्पैच के अंदर कौन कौन सी बातें की गई। एक तो इन्होंने ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एजुकेशन की जिम्मेदारी लेती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी है तो वो यहाँ बरसगीर के लोगों को तालीम दे। दूसरी बात, इन्होंने DPI डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी एक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन क्या था, ये जो बातें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो किताबों के अंदर आपको कम ही मिलेंगी। DPI डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये एक इदारा कायम किया गया। इस इदारे का काम था ये एग्जाम लेता था, ये इम्तिहान लेता था। हर वो स्कूल, हर सरकारी स्कूल जो गवर्नमेंट ने बनाया था, या हर प्राइवेट स्कूल, या हर वो इदारा जिसने जो गवर्नमेंट से फंड का मुतकाजी था कि गवर्नमेंट उनको फंड करे, ईस्ट इंडिया कंपनी उनके इदारे को चलने के लिए, उनके उस्तादों को तनख्वाह देने के लिए, उनके मामला को देखने के लिए उन्हें फंड करे, तो वो उनके ऊपर लाजम था कि वो DPI की तरफ से एक नुमाइंदा उनके कॉलेज, उनके स्कूल, उनकी जो है वो दरसगाह के अंदर मुकर्रर होगा और वो अपने हिसाब से उनसे इम्तिहान लेगा। और वो जो चीजें, जो इम्तिहान लेगा उसके अंदर डेफिनेटली क्रिश्चियनिटी और ये चीजें शामिल होंगी। अगर वो उनके ऊपर इम्तिहान एग्जाम नहीं लेगा, अगर वो उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे तो वो उनके जो है ना फंड नहीं मिलेगा। फंड मशरूत थे, जैसे आज हमारे टेस्ट के स्कूल हैं तो इनको कोई टी जो टेस्ट देना होता है वो टेस्ट देते हैं तो उससे फंड मशरूत होते हैं कि वो पास होगा तो फिर उधर से ग्रांट जारी होगी। तो सेम ऐसे यहाँ भी था कि वो 1862 के अंदर ये स्टेब्लिश हुआ और इनका यही काम था कि ये वहाँ पे उनके निज़ाम में एग्जामिनेशन कंट्रोल कर। इसके अलावा इन्होंने 3 यूनिवर्सिटियों की बात की थी, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। बम्बई, कलकत्ता, इनके अंदर 3 यूनिवर्सिटियां कायम की जाएंगी और ये 1857 के अंदर इनको बकायदा जो है वहां पे बनाया भी गया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्होंने यही कहा कि जो इंग्लिश है जो लॉर्ड मैकाले ने डिसाइड किया था वही इंग्लिश ही एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी। हाँ, प्राइमरी लेवल पे हम आपको इजाजत देते हैं कि अपनी मदर टंग के अंदर तालीम हासिल करने, लेकिन सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और बड़ी क्लासों के अंदर आपके लिए इंग्लिश में तालीम हासिल करना लाजिम होगा। इसके अलावा इन्होंने नए स्कूल जो जितने बनाए जाएंगे वो वेस्टर्न नॉलेज की बुनियाद पर बनाए जाएंगे, वेस्टर्न इसके अंदर एजुकेशन फैलाई जाएगी और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 स्कूल इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्कूल जो है वो जरूर कायम किया जाएगा। ठीक है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हर एजुकेशन का इदारा जो है वो हर सूबे के अंदर कायम किया जाएगा और यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएंगी लंदन प्लान के तहत। जैसे यूनिवर्सिटी लंदन प्लान कोई था उसके मुताबिक यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएंगी। इसके अलावा ग्रांट इन प्राइवेट इंटर जो प्राइवेट इदारे थे, तालीमी इदारे, वो लोग जो प्राइवेट से मुराद पहले होते प्राइवेट इदारे थे, हुकूमत के थोड़े होते तालीमी इदारे, प्राइवेट इदारे तालीमी इदारे चलाते थे। तो प्राइवेट इदारे जो थे उनको इनक्रेज किया गया कि वो तालीमी इदारे कायम करें, हम उनको फंड देंगे और उनको वो जो तालीमी इदारे कायम करेंगे वो सेकुलर होने चाहिए, अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए, उनका अच्छा इंस्पेक्शन का निज़ाम होना चाहिए, DPI की तरफ से नुमाइंदा भी उनकी इंस्पेक्शन करेगा और ये स्कूल जो है वो फीस भी चार्ज करेंगे। फीस के अलावा टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी काम करते थे कि टीचर, वो जो टीचर थे उनको फंड देना, उनको स्टिपेंड देना और उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी। औरतों की पहली दफा कहा गया कि जो फीमेल है ना किसी प्राइमरी स्कूल, बल्कि फीमेल को यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी हासिल करने का राइट होना चाहिए और जो है वो जो न्यूट्रलिटी एंड रिलीजन के, उनको जो है मजहब से थोड़ा दूर करना ही समझे मकसूद था वो भी। इसके अलावा प्रोफेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया। प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर क्या चीजें आती है, मतलब लॉ है हमारी, ये मेडिसिन की फील्ड हो गई, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह की फील्ड हो गई, ये चीजें जो है इनको प्रमोट किया गया। ओरिएंटेशन एजुकेशन ये भी कहा गया कि आप अगर अपनी जबान में तालीम या अपने मशरक के लोगों को पढ़ना चाहते हैं तो साथ के साथ आप वो भी पढ़ सकते हैं, आपको इजाजत है। ये था हमारा 1854 का 40 वोट डिस्पैच जिसके अंदर हमने 8-10 चीजों को देखा। अब हम आ जाते हैं 1882 के अंदर। 1882 के अंदर हंटर कमीशन हुआ। अब हंटर जो कमीशन है ना बेसिकली इसको इंडियन एक्ट भी कहा जाता है, एजुकेशन इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन।
यानी ये 1882 के अंदर ही जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये हमारे ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो ये एग्जाम जो पहली दफा इंडिया के अंदर शुरू हुआ था ना, ये 1882 के अंदर शुरू हुआ था। और इसको जो 1882 का है हंटर कमीशन, इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। बेसिकली ये क्या चीज था कि 1854 से लेके 1882 तक जो हमने 1854 के अंदर फैसले किए, वो 1854 से लेके 82 तक कितने इंप्लीमेंट हुए, कहाँ कहाँ उनकी कोताहियां रह गई, जो इंप्लीमेंट हुए उनके क्या नतायज हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट को पेश करने का कहा गया। और वो इसी रिपोर्ट को जो है वो कहा जाता, हंटर कमीशन कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पे सर विलियम हंटर जो थे ना, वो चेयरमैन थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थे, और उन्होंने भी मास एजुकेशन को फोकस करने की बात की। ऐसे यहाँ पे ये भी बात याद रख ले, अगर आपसे ये पूछे जाए ना कि अंडर इसको ये पूछते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन भी बोलते हैं, जो ब्रिटिश का टाइम है ना, इसको मॉडर्न एजुकेशन 1813 से लेकर 1947 तक मॉडर्न एजुकेशन एट इन सब कॉन्टिनेंट की बात भी करते हैं। अगर वो आपसे पूछे कि किस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बिफोर पार्टीशन प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया गया था, तो वो हंटर कमीशन। और अगर आपसे पूछे कि किस एजुकेशन कमीशन के अंदर या किस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर या कब जो है वो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट किया गया, तो सैडलर कमीशन है 1917, उसके अंदर बड़ी क्लासों को प्रमोट किया गया, जबकि जहाँ पे 82 के अंदर जो है छोटी क्लासों को जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया गया। इसके अलावा हंटर कमीशन 1857 से यानी पावर गोज टू क्राउन, अच्छा 1857 के अंदर आपको पता है कि जंगी आजादी हुई थी, और जंगी आजादी के अंदर मुसलमानों को एक बदतरीन समझ रहे हैं, मुसलमानों को शिकस्त का सामना हुआ, और उसके बाद जो है वो पूरे बरसगीर के ऊपर जो है वो इंडियन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, और ईस्ट इंडिया कंपनी जीती तो इसका 1857 के अंदर जो तमाम इख्तियार हैं वो क्वीन के पास चले गए, मलका बरतानिया के पास चले गए, और पाकिस्तान जो है वो 1857 के अंदर बाकायदा तौर पे इंडिया की एक जो है वो बरतानिया की एक जो है वो प्रॉपर कॉलोनी बन गई। वैसे मैं आज भी दुआ कर रहा था, दुआ मतलब शायद किसी को बुरा लगे, कि पाकिस्तान अगर आज भी यूके या यूएसए जो है हमें जो है ना वो अगर अपनी कानूनी डिक्लेयर कर लें तो ये बेहतर होगा। जो यहाँ के हुक्मरानों ने पाकिस्तान का हाल किया है ना, वो नज़रियाती तौर पे पाकिस्तान के साथ हैं, जैसे अभी रिसेंटली कल बयान आया कि अगर कैद अजम ने जो बात की है वो कोई हदीस नहीं है, तो उसके ऊपर एक जो ने जबरदस्त बात की कि उसने कहा कि अगर यही बात हम कर देते तो हमारे ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाता, लेकिन ये लोगों को, इन लोगों को इजाज़त है जो मर्जी बात करें। जो हालत इन्होंने पाकिस्तान की कर दी हुई है, तो इस सूरत में अगर वो हम यूके की एक कॉलोनी डिक्लेयर होते तो कम से कम आवाम को भी कुछ ना कुछ राइट्स मिलते, कुछ ना कुछ तरक्की नजर आती, कुछ ना कुछ नया बनता नजर आ जाता है। या अगर यूएसए की हम कॉलोनी, बेसिकली अनऑफिशियल हम उनकी कॉलोनी है, लेकिन वो कॉलोनी होने के फायदे से वही लोग, चंद लोग ही इख्तियार उठा रहे हैं, मुख्तदर लोग, तो नीचे वाले लोगों को भी शायद इनसे, इन चीज़ों से फायदा हो जाता है। खैर, तो गवर्नमेंट शुड विदड्रॉन फ्रॉम 1857 के अंदर कंप्लीट जो है ना वो जो यूके की हम जो है वो कॉलोनी बन गए, हम यूके के रोल के यूके के अंडर आ गए, तो गवर्नमेंट शुड विदड्रॉन फ्रॉम एजुकेशन के गवर्नमेंट, क्या इसका मकसद क्या है पॉलिसी, अच्छा गवर्नमेंट शुड विदड्रॉ फ्रॉम एजुकेशन, गवर्नमेंट को एजुकेशन से पीछे हटना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन से पीछे हटेगी और प्राइवेट इदारे जो हैं वो एजुकेशन में आगे आएंगे, और प्राइवेट इदारे के अंदर उसी तरह हमारे DPI मुकर्र होंगे, और प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करेंगे, स्कूल बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे, उनकी मदर टांग के अंदर उनको लैंग्वेज देंगे। इंडिजीनियस एजुकेशन कहते हैं कदीम एजुकेशन, इंडिजीनियस मतलब होता है कदीम, तो इंडिजीनियस एजुकेशन मतलब है कि उनको अपनी, उनकी जो है वो सिस्टम पॉलिसी प्रैक्टिस डिजाइन, उनको अपने कदीम लोगों को कदीम तरीके से तालीम दी जाएगी। प्राइमरी एजुकेशन को इसके अंदर फोकस किया गया, और इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन को दो हिस्सों में तकसीम किया, लिटरेरी और वोकेशनल। वोकेशनल में अंदर उनको स्किल सिखाई जाती थी, लिटरेरी के अंदर उनको सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। उसके अलावा फाइनेंस के लिहाज से मैं कि ये प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ज्यादा रकम खर्च की जाएगी, और जो रकम है अगर तो गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो जाए तो वो जो वहाँ के जो लोकल बॉडीज हैं वो वहाँ पे एजुकेशन को पैसा देंगे। नॉर्मल टीचर ट्रेनिंग के लिए स्कूल बनाए गए, उनको नॉर्मल स्कूल कहा गया, सेकेंडरी स्कूल बनाए गए, वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन के लिए सेकेंडरी स्कूल बनाए गए। हायर एजुकेशन की बात की गई, और ये KPKE के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई, और वास्ट करिकुला होगा, लिमिटेड स्टूडेंट पाथ, फ्री एजुकेशन नहीं होगी,
बल्कि उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और इसी के तहत 1882 में जो पंजाब यूनिवर्सिटी कायम हुई थी, वो भी इसी हंटर कमीशन के तनाजुम में हुई थी। वुमेन एजुकेशन के ऊपर कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया जाए लड़कियों के अंदर भी, और लड़कियों को जो है वो स्कूल लिबरल ग्रांट, लड़कियों के स्कूलों को प्रॉपर स्पेशल ग्रांट दी जाए, और सिलेबस शुड भी सिंपल, सिलेबस बहुत सादा होना चाहिए प्राइमरी लेवल पे। इसके अलावा लेडीज टीचर होनी चाहिए, उनके लिए हॉस्टल होने चाहिए, पर्दे का अरेंजमेंट होना चाहिए, एडिक्वेट फैसिलिटीज पार्किंग। यानी जहरी बात है कि फीमेल हमारे जो वहाँ पे ट्रेडिशन में, यानी वहाँ लोग फीमेल को तालीम नहीं देते थे, और इसके अंदर सैयद अहमद खान की भी बड़ी काविशें थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि फीमेल एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे हो और आसान सिलेबस हो, उनको जो है वो किसी तरह का किसी लिहाज से तंग न किया जाए, उनको पर्दे की भी इजाजत हो, उनके लिए फीमेल टीचर भी हो, तो सारी ताकि वो फीमेल भी घरों से तालीम हासिल करें। इसके अलावा रिलीजियस एजुकेशन के मामले में कहा कि गवर्नमेंट न्यूट्रल रहेगी और प्राइवेट इदारों को कोई बाउंडनेस नहीं है कि वो कौन सी तली मर्जी दें। ये था हमारा 40 वो डिस्पैच। इसके बाद आ जाते हैं सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन 1917 से 19 के दरमियान हुआ, और इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। और डॉक्टर माइकल ई सैडलर जो है, जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के, वो उन्होंने ये वाली जो रिपोर्ट दी थी। और ही एग्जामिनड द एलिमेंट्री टू हायर एजुकेशन, यहाँ पे मैंने बात की थी, यहाँ एलिमेंट्री टू हायर एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट किया गया। 40 वुड हंटर कमीशन के अंदर प्राइमरी, और इसके अंदर जो है वो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी को ज्यादा दिए गए। इसकी तस्वीर, अच्छा, रिपोर्ट जो है बड़ी कम्प्रिहेंसिव थी, बड़ी डिटेल रिपोर्ट थी। इसकी रिकमेंडेशन को बाद में कबूल भी किया गया, और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी। और इसके अलावा जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें थी वो देखते हैं जरा। सेकेंडरी एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, एट इंटरमीडिएट लेवल के 10वीं तक, 10वीं की तालीम इंटरमीडिएट लेवल तक होगी। यूनिवर्सिटी शुड फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर हायर एजुकेशन होगी। बोर्ड्स तमाम सूबों के अंदर बनाए जाएंगे। कॉलेज सेंट्रलाइज्ड एट यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ मुल्हक होंगे। फीमेल एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी में लड़कियों को तालीम देने की इजाजत होगी। एजुकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन इंक्रीज होगी। टीचर ट्रेनिंग की बात और मदर टांग की बात की गई। ठीक है, ये बल्कि चंद बातें थी जो सेंट्रल कमीशन के अंदर की गई। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, ये महात्मा गांधी जो इंडियन लीडर था उसने ये दी थी। और महात्मा गांधी इनके इसके अंदर जो है ना, वो इन कुछ रिफॉर्म्स थी जो एजुकेशन के अंदर वो चाहता था। 1937 के अंदर उसने प्रपोज की थी कि ये वाली असलाहत जो है वो एजुकेशन के अंदर लेके आई जाए। इसके अंदर जो असलाहत थी उसने ये कहा था कि फ्री एंड कंपल एजुकेशन, कि जो कंपल्सरी एजुकेशन है, जो लाजमी 1-10वीं तक लाजमी तालीम की जाए और फ्री एजुकेशन दी जाए। ठीक है, यानी खास लेवल तक जो है वो 6 to 14 ईयर के, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए और लाजमी एजुकेशन होनी चाहिए। मदर टांग के अंदर उनको तालीम दी जाए। क्राफ्ट सेंटर के लोगों को वही खादी और इस तरह के कपड़ा बनाना, स्किल बेस्ड तालीम जो है वो लोगों को दी जाए। और सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन के लोग जो है वो अपनी तालीम को खुद सपोर्ट करें। यानी सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन मतलब ये है कि लोग पहले काम सीखें, जैसे क्राफ्ट का काम है, कोई एग्रीकल्चर का काम है, कोई हाउसवेयर का काम है, वो काम सीखें, फिर अपनी प्रोडक्ट बनाएं, फिर बेचें, फिर अपने इदारे को पैसे दें। यानी सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन होगा, गवर्नमेंट की फंड के अलावा जो है ना वो इदारे चलें। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हुई कि कंप्लीट मुकम्मल एक बच्चे की मुकम्मल मॉरली इंटेलेक्चुअली हर लिहाज से मुकम्मल डेवलपमेंट की बात की गई। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन तो क्या है कि एजुकेशन यानी हर इदारा विलेज जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, अपने फंड खुद इकट्ठे करे। हर इदारा जो है वो डिसेंट्रलाइज, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे इदारे जो है वो अपनी अपने निज़ाम को खुद जो है वो संभालें, अपने सोर्सेज खुद जनरेट करें। रिलीजियस और एथिकल एजुकेशन इकट्ठा किया जाए। एजुकेशन फॉर ऑल, हर एक को, चाहे वो किसी जात रंग नस्ल कबीले से हो, सबको एजुकेशन हासिल करने का मुकम्मल राइट होना चाहिए। इसकी लिमिटेशन ये थी कि इम्प्लीमेंट ना हो सकी, और वोकेशनल का उस वक्त स्कोप ही कम था, इंटीग्रेशन का चैलेंज था, एग्जामिनेशन असेसमेंट वगैरह भी मुश्किल थी, किस तरह मिलता। लास्ट बात जो आज हम करते हैं, आज का आखिरी सार्जेंट रिपोर्ट 1944, यानी इसको आप ये भी कहते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर, यानी 1939 के अंदर जो है वो दूसरी जंग अजीम शुरू हुई थी, 1945 के अंदर खत्म हुई थी। 1944 की रिपोर्ट जो है इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी कहा जाता है इसको। इसके अंदर भी उसी तरह रिपोर्ट पेश की गई थी 17 की कमीशन की, वर्धा स्कीम की, 1939 का कमीशन था, 29 का, इन सब के मुताबिक एक रिपोर्ट पेश करने के बारे में कहा गया, और कहा गया कि अपने रिकमेंडेशन दें।
यहाँ पे इनकी रिकमेंडेशन के अंदर एक तो ये है कि परी प्राइमरी यानी जो इसे इसी कहते हैं, अगर आपसे कोई पाकिस्तान बनने से पहले किस पॉलिसी, इंडियन पॉलिसी के अंदर परी प्राइमरी यानी इसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को प्रमोट किया गया, उनकी बात सुनी गई, तो वो ये 1944 का सार्जेंट रिपोर्ट थी। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, अडल्ट टेक्निकल वोकेशनल हैंडीकैप्ड एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, हेल्थ एंड स्टूडेंट, ये सारी चीजें जो इसके अंदर फोकस की गई। 40 करोड़ रुपए जो है वो अलोकेट किए गए, 22 मेंबर जो है वो प्रेजिडेंट थे, और ये रिपोर्ट भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी पहले तो, बल्कि इन्होंने चैलेंज भी इसका जो है ना वो बड़ा रखा था। इन्होंने कहा था कि हमने 40 साल तक करना है, फिर बाद में उन्होंने इसका काम करके 16 साल किया, लेकिन ये बात ये जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात इसमें की गई 6 से 14 साल तक, जैसे पहले भी हुई थी। जूनियर बेसिक स्कूल 6 से 11 और सीनियर स्कूल 11 से 14 की बात की गई, 12 से 16 ईयर हाई एजुकेशन की बात की गई। टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होगा, अडल्ट एजुकेशन की बात की गई, और प्री नर्सरी 3 से 6 इन चीजों की बात की गई। उसके अलावा यहाँ पे भी प्री प्राइमरी, अच्छा ये भी याद रखनी, जिससे मैंने पहले आपको बताया, अब खुद अपने आप को क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे कि किस पॉलिसी के अंदर प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया गया था, तो वो था 1882। इस पॉलिसी के अंदर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तरीके को फोकस किया गया, वो था 1917, ठीक है। और किस तलीमी पॉलिसी के अंदर जो है वो बात की गई यहाँ पे परी प्राइमरी यानी बिफोर प्राइमरी 3 से 6 साल के बच्चों की तलीम, तो वो सार्जेंट रिपोर्ट 1944 उसके अंदर की गई। एलिमेंट्री एजुकेशन कहा गया कि लाजमी होगी, एकेडमिक और टेक्निकल एजुकेशन की बात भी की गई, और पहले कहा गया कि 40 साल में हमने ये गोल अचीव करना है, फिर कहा कि हम 16 साल में करेंगे, लेकिन हुआ हुआ कुछ भी नहीं था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की डिग्री 3 साल की होनी चाहिए, हर यूनिवर्सिटी के एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, और टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और टू मच मनी रिक्वायर फॉर दिस, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी जरूरी है, और ये सारा पैसा कहाँ से होना ही नहीं था, कहाँ हुआ ही कोई ना। ये था हमारा आज का लेक्चर, और जरा बता दीजिए कि आज हमने जो कुछ पढ़ा है इसके अंदर किसी को कुछ चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ लें, बाकी हिस्ट्री एक दफा एक दो दफा रिवाइज करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट बना के दिमाग में रख लेने, उम्मीद है याद रहे। सर क्लियर है सारा कुछ, ऐसा लगता है ये पहले भी सारा पढ़ा हुआ है और ये रिपीट किया गया है। जी ये जो बैच 3 चल रहा है ना, जिन्होंने बैच 3 उसमें हमने ये चीजें पढ़ी हैं, बैच 3 के पढ़ दी मैं पहले। अच्छा सर, ये बैच 3 से याद आया कि अगर हमारा पेपर आगे हो जाता है तो सर आप बैच 4 स्टार्ट करेंगे? नहीं बैच 4 जो ना अभी रिसेंटली बैच 3 में चल रहा है, उसने मिड फरवरी तक जाना है, फरवरी तक उसकी जाना है। मैं या यकम फरवरी से नया बैच स्टार्ट करूंगा, यकम फरवरी से पहले मुश्किल होगा, मतलब एक यानी महीना ही कि है, सर मतलब कि दिसंबर ये लास्ट है एंड हो रहा है इस। ना। हाँ दिसंबर एंड हो रहा है, तो जनवरी का महीना जो है वो चलेगा, यकम फरवरी से कोशिश होगी कि टाइम को देखेंगे उस वक्त क्या तरतीब चलती है, यकम फरवरी से नए बैच स्टार्ट करते हैं। नाजिया ज्यादा खुश ना हो, हमारा पेपर आजन है, टेंशन ना लो तुम, इतना आगे नहीं जाएगा। दिसंबर में आपका पेपर, ये जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा, पीपीएससी इतना लंबा नहीं जी लगता सर, था नहीं पेपर। नहीं सर, वो ना ये इतला मिली है कि चेयरमैन साहब जो है वो रिटायर हो रहे हैं, तो जरा वर्ल्ड टूर पे निकल गए, तो हो पॉसिबल के जनवरी में ही, जनवरी के स्टार्ट में या फिर इसके एंड पे सर पेपर हो जाना है हमारा। और मैं तो कहती हूँ हो जाए, जितना लटका रहे हैं उतना चीजें ज्यादा मुश्किल होती जा रही हैं, तलवार ही लटकी हुई है सर के ऊपर। अच्छा ये मुझे ना इस आपका ये सवाल मुझे मिला ये कमेंट्स के अंदर, अब मुझे इस सवाल को थोड़ा ज़्यादा कंटेक्स्ट समझ नहीं आया। शायद मैंने ये बात की है कि जो एजुकेशन जो है ना इसलिए दी जाती है कि लोगों के आइडियाज़ को बदला जाए, यानी एजुकेशन आइडियोलॉजी किसी भी मुल्क की आइडियोलॉजी फिलासफी की बुनियाद पर एजुकेशन दी जाती है। तो इंडिया के अंदर जो है ना वो उन्होंने मलके बरतानिया ने इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप अपना एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे दें, कि अगर हमारा निज़ाम तालीम होगा तो इन लोगों की मेंटेलिटी ये शक्ल से तो वो जो है ना वो अपने गंदवी रंग के उसी इंडियन होंगे, कलर भी उनके इंडियन होगा और नस्ल भी वही होगी, लेकिन ये हमारे जैसे सोचने में अंग्रेज बन जाएंगे, हमारे जैसे बन जाएंगे। इसी तरह जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो किसी भी पर्सनैलिटी को लोगों को मोल्ड करने के लिए जो है वो बड़ा कारामद हथियार है, टूल है,
उसी तरह के नजरियात वाले लोग जो है वो जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं। तो अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो वजह कर दे, मैं यही समझा हूँ। मतलब सर के आप ये कह रहे हैं कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है हमारे लिए कि चाहे हम रंग से, नस्ल से, नसब से जो भी हो, तो वो हमें चेंज कर सकता है, जारी बात है, हमारी जिस हमारी जिस पर्सनैलिटी को, हमारी जिस तरह का जिस मुल्क का हम लिटरेचर पढ़ रहे होंगे ना, वो हम उस लिटरेचर जैसे बनेंगे। तो जब हमारी जी किताबों जी के अंदर लिटरेचर होगा सारा उसका, तो जिस जारी बात है, हम इंसान जो सोचता है ना, वो अपने लिटरेचर जो उसने पढ़ा होता है उसके मुताबिक सोचता है। हम जो ड्रामे देखते हैं, जो हम मूवीज देखते हैं, जो चीजें हम इनटेक कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारी लाइफ चल रही होती है। जी। और सर ये जो हमारा मतलब ये जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, ये हमारे मतलब किसको, हमारी मुल्क की आइडियोलॉजी के हिसाब से ही बनाया जाएगा ना, सवाल अक्सर होता है ये, तो वो जी उसमें यही बिल्कुल, होगा कि कोई भी किसी भी मुल्क का कोई भी मुल्क जो होता है, वो उसकी उसी के नजरियाती उसके आइडियोलॉजी के ऊपर ही उसका करिकुलम बनाया जाता है। लेकिन बात जब जैसे सोसाइटी एक टीचर के। होने की, जी एक टीचर होने जी की हैसियत से मैं मायूसी वाली बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारा करिकुलम जो है ना, वो क्योंकि हमारी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है गौरव, हम गरीब मुल्क हैं, ठीक है, जो जिस वजह से भी गरीब है, हम गरीब है, हमारी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। हमारी एजुकेशन का सारा पैसा हमें बाहर से मिलता है, यानी जो हमारा एजुकेशन के ऊपर तो अभी भी 1.5% या 2% GDP खर्च होता है, वो पैसा हमें बाहर से मिलता है। और बाहर से मिलने की वजह से हम अपने मुताबिक, अभी आप देख ले कि कितनी दफा इमरान खान के दौर में भी कहा गया कि हम बच्चों की जो प्राइमरी तक चली, मैंने किताबें जो है वो उर्दू के उनके मदरी जबान में होंगी, लेकिन फिर किताबें इंग्लिश में प्रिंट हुई। अगर ऐसा ना करें तो उनको फंड नहीं होगा, उनकी मजबूरी है कि वो किताबें इंग्लिश में प्रिंट करें। अब वही बच्चे दोबारा दुकानों से जाके ले रहे होते हैं, उर्दू मीडियम किताबें ले रहे होते हैं, जो उर्दू गवर्नमेंट फ्री की किताब देते हैं वो बच्चे रद्दी में बेचते हैं, इवन सर लेकिन पहले जो है मैथ और साइंस और इस तरह के जो सब्जेक्ट थे वो उर्दू में थे, लेकिन अब सर काफी साल से वो चीजें भी इंग्लिश में ही आना शुरू हो गई हैं। इवन हमारे स्पेशल बच्चों की जो बुक्स हैं वो भी इंग्लिश में ही आ रही है, या पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो है उसी को ही हमें वो सिलेबस जो है स्पेसिफिक बना के दे देते हैं। बुक्स वही हमारी यही पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की है, उसी में से सिलेबस को वो थोड़ा करके दे देते हैं हमें, लेकिन है इंग्लिश में ही, ऐसे स्पेशल बच्चों की भी अच्छा देख लें आप। वही ऐसे ही है। यहाँ पे करिकुलम थे चेंज के नाम पे भी बहुत कुछ। फिर इसको छोड़, एक सवाल आया था अभी कि मुनव्वर साहब, आपकी तरफ आवाज नहीं आती, कोई मसला? अब आवाज नहीं आ रही या पता नहीं? अच्छा, इन्होंने एक सवाल पूछा था कि 1937 में महात्मा गांधी कहाँ से आ गए। लेकिन बात याद रखें, अपने दुश्मन का भी जो है ना, वो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो उनका लीडर था वो कमाल का लीडर था। महात्मा गांधी एक बहुत जबरदस्त इंसान था और उसकी अपनी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है। और जो अंग्रेज भी हैं वो किसी लीडर को जैसे कैदिज्म की बात सुनते थे, उसकी बात भी सुनते थे। तो महात्मा गांधी ने वहां पे एजुकेशन कमीशन के हवाले से सजेशन दी, जो स्कीम पेश की, जबरदस्त स्कीम है ये, कोई पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, लेकिन बड़ा एक स्कीम थी उसने दी कि ये इस तरह होना चाहिए। उसको कुछ ना कुछ बाद में ब्रिटिश भी मिली, तो बेसिकली उसको इजाजत मिली। एक अच्छा लीडर था और बड़ा हर एक के साथ बना के और सबके साथ ताल्लुकात बना के। आप इतनी देखिए, पाकिस्तान बनने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो उन्होंने अपना बना दिया, और उन्होंने वो तकसीम पाकिस्तान को ऐसा अधूरा उन्होंने तकसीम किया कि हमारे आसाम हैदराबाद है, कितने इलाके जो है पाकिस्तान को ना दिए, और एक बांग्लादेश 1000 किलोमीटर की सरहद के साथ अलग दे दिया। तो इंडिया जो था ना, वो बहुत एक उनके पास एक जबरदस्त लीडरशिप थी। अब आप उसको जिस तरह मैंने में दे, ये लीडरशिप थी कि उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम को भी अधूरा छोड़ दिया। हम में से हमसे कुताहियां हुई कि हम चंद लोग ईमानदार से थे, बाकी सारे सेठ थे पाकिस्तान की बनाने के अंदर जो जो लोग मौजूद थे, तो वो एक सही तकसीम भी पाकिस्तान की नहीं करवा सके थे। और उसकी वजह से पाकिस्तान कोई कहीं पे कोई कहीं, और आज भी अगर हम सारे इकट्ठे होते तो हम कहीं आज जाकर 70-80 करोड़ बनते थे, इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान, या कम से कम हम 50-60 तो बनते ही थे। लेकिन जो है इस तरह की तकसीम हुई कि सारे मुसलमान उधर के रोल रहे, वहां पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर का रोल मसला अपनी जगह पे है, पाकिस्तान में अपने मिसाइल है। खैर इसको छोड़िए, और कोई सवाल है जी? नो सर।
ओके जी, इसको चलिए याद अपना ख्याल कैसे करना रखिएगा। है सर, इसके एक दो भी दफा तो सिर्फ सर पढ़ नहीं याद लीजिएगा। रहती। हाँ, सारी चीजें याद नहीं रहती। एक तो आपको बताओ कि 1813, ये पहले सन याद कर लें, 1813 की बात हुई, 35 की बात हुई, 54 में बात हुई, 82 की बात हुई, 17 की बात हुई, 37 की बात हुई, 1944 की बात हुई, यानी ये पॉलिसी सर आई थी। फिर आपने ये फौज कर लेना है। 1813 के अंदर भी चार्टर चार्टर एक्ट था, वो 40 ग्रांट ने लिया था। फिर बात कर लेना है उसके अंदर 1835 लॉर्ड मैकॉले रिपोर्ट थी, विलियम बेंटिक ने उसको रेजोल्यूशन दी। 1854 की बात कर ले, 40 वो डिस्पैच था। फिर 1882 के अंदर हंटर कमीशन था और सर विलियम हंटर ने दिया था। फिर 1917 में सैडलर कमीशन था, सर माइकल जो सैडलर है, डॉक्टर था, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड का वाइस चांसलर था, उसने दिया। 1937 की वर्धा स्कीम थी, गांधी ने दी। 1944 का जो है वो था दूसरा साइलेंट रिपोर्ट थी। अब साइलेंट इससे इस तरह करके ना आपने एक तरतीब से पहले ये याद कर लिया पॉइंट। फिर शुरू में जाएंगे, फिर 1813 के अंदर कौन सी अहम बात थी, मैं यहाँ दोहराने लग जाऊँ तो फिर दोबारा बनाना बन जाएगा, लेकिन मुझे तो इस तरह फिंगर टेक्स पे सारी चीजें जबानी याद है, पढ़ा पढ़ा के। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपकी जहानत को नजर ना लगाए, मुझे तो रश्क हो रहा है, आपने तो इस तरह रट्टा लगाया हुआ है फर फर, और मुझे हमें तो ये इसकी जरूरत चीजें कैसे मुझे रटा तो भूल लगा। जाती हैं सर, नहीं याद रहती। नहीं, हम एक दूसरे को सुनाए कि बात ये पॉलिसी आई थी, ये बंदों ने दी थी, उसके अंदर ये खास बात थी, उसमें ये खास बात, एक एक बात याद करते रहे सिर्फ। ये 1813 की खास बात क्या थी, 1835 की खास बात क्या थी, एक एक बात भी करते रहे ना, तो आपको ऐसा ऐसा चीजें आपको आना शुरू हो जाएंगी। ये एक सर्कल बना लें, गोल चक्कर, और हर चक्कर के अंदर एक नई बात ऐड करते जाएं और सर्कल को रिवाइज करते रहें। 1813 से 1947 तक, यानी 44 तक का चक्कर जो है ना, वो आप चलाते जाएं बार बार, इस तरह आपको चीजें याद रखेंगे। ठीक है सर, जजाक अल्लाह ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।